नमस्कार किसान साथियों। तो आपने जैसा कि आप किसान भाई के पीछे देख रहे हो ट्रैक्टर न्यूलैंड 3630 जो कि फोर्ड के समय टाइप था, टाइप के टाइम का जो ट्रैक्टर था वो वाला ट्रैक्टर है जो कि अपने शहर जज्जर में तैयार होया है। और भाई किसान भाई काफ़ी इच्छा लेकर के आए थे भी काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर ने तैयार करो, बिल्कुल ऐसा तैयार करना चाहिए कि भाई कंपनी में से निकल के आया था उस टाइम का वो कंडीशन ट्रैक्टर ही होनी चाहिए। इंडिकेटर भी आपने देख लिए, इंडिकेटर भी न्यू मॉडल के लगाए हैं। तो किसान भाई से पूछेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में कौन सा मॉडल है, कभी इन्होंने लिया था, सारा कुछ एक बार किसान भाई से परिचय भी कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। अपना गांव कौन सा है जी, नाम क्या है जी अपना? मेरा नाम राजेश सहरावत है, गांव माकडोला गुड़गांव से। अच्छे जी, गुड़गांव से। हाँ जी। अच्छा, आपका मतलब ये ट्रैक्टर आपने कब से खरीदा था जी? ये ट्रैक्टर खरीदा था भाई साहब हमने अगस्त 1999 में। अच्छा, 1999 मॉडल है। हाँ, नया लिया था। अच्छा अच्छा। अच्छा, उस ट्रैक्टर को चलाने के बाद में आपने कैसा लगा ये ट्रैक्टर? चलाने के बाद में भाई साहब 25 साल कमाया है ये ट्रैक्टर, बहुत अच्छा। बढ़िया फीडबैक आया है इसका, मतलब मौज कर दी। मौज कर दी, और हमने आज तक बेचने की ही नहीं सोची है। अच्छा, बेचने का विचार नहीं? ना, विचार नहीं, बहुत ग्राहक आए। अच्छा अच्छा। हर सीजन पर दो चार ग्राहक आते रहते हैं, अभी बेचाएंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बाप ने ये ट्रैक्टर तैयार करवाने का क्या विचार रहा आपने, क्योंकि नए भी ट्रैक्टर अभी आ चुके हैं, वो क्यों ना लिया अपन? भाई साहब इसका एक तो जो कंपनी है ना फोर्ड की, बहुत बढ़िया इंजन था, टेक्नोलॉजी था, उस टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी थी इनकी। जी जी। तो इसमें काम मांगा था काफ़ी, ट्रैक्टर पुराना भी हो गया था, शो भी डैमेज हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो हमने यूट्यूब पर था भाई का नंबर लिया, कपिल का, इनके फादर है जय भगवान मिस्त्री, ये अपनी जानकारी में थे। ठीक है। तो हमने कपिल तो बोला भाई इस ट्रैक्टर ने काम कर अरीसा बना दे जैसे नया आया। अच्छा अच्छा। तो भाई ने और अपने अंकल ने जय भगवान ने दिन रात की मेहनत करके ये ट्रैक्टर तैयार कराया। अच्छा जी। मतलब ये बाप ने किसा फील हो रहा है ट्रैक्टर पहले था इसमें किसा फील हो रहा है भाई साहब, जैसे नया था, न्यू का न्यू जैसा ले आए थे नया। अच्छा, वो का वो फील आ रही। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये भी ट्रैक्टर आपने काफ़ी बढ़िया लग गया। हाँ। और कितना टाइम लगाया इन्होंने आपने, मतलब आपका अंदाजा था जितने टाइम में तैयार कर देंगे उससे कितना का अंदाजा टाइम लगा? जितना टाइम था मिस्त्री ने यह कह दी भाई खड़ा कर दे आराम से, बीच मत बोलिए। अच्छा, हम अपने तरीके से कराएंगे। अच्छा, अपने तरीके तैयार करने का विचार करें। हाँ, तो ये लगा लो भाई साहब महीने के करीब लगा दिया। अच्छा, एक महीना लग गया। हाँ जी। अच्छा, एक एक चीज़ आगे से पीछे अंदर का जो भी बाहर का जो भी डैमेज था सारा निकाल के नया डाला। अच्छा, आपने एक विचार और नहीं बनाया होगा जिस तरह की भाई मॉडिफाई का नाम लेते पंजाब का नाम आओ। हाँ हाँ, पंजाब चलो पंजाब, वो विचार नहीं करे आपने? विचार था भाई, कई भाइयों ने बोला भी था पंजाब भेज दो। अच्छा। पंजाब में बढ़िया बनाओ, हम कहा नहीं भाई हम अपने एरिया में करावांगे। अच्छा। और अपने भाई की काबिलियत देखाएंगे। अच्छा। नहीं, घर की बात आ रहा है, कोई दिक्कत है तो हम फिर आ गए फिर करा सका, पंजाब कौन जाएगा? बिल्कुल। हाँ, पंजाब बार बार कौन जाएगा? हाँ। और तो भाई देखो छोटी मोटी समस्या आ गई तो मौके पर हो जाएंगे, जो अपने मैकेनिक बेहतर हैं तो पंजाब तो बहुत दूर है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, और इन अपना करके काम कराया है। बिल्कुल। और ये मानो मैं इनके काम तो इतना खुश हूँ बेहिसाब। अच्छा अच्छा। हाँ, और भाई देखा हाँ भाई आगे भी ऐसे करते रहना। अच्छा, ई बाप ने ट्रैक्टर में जो काम करवाया है, मान ले मरगाड है, पावर स्टीयरिंग है, वो सारा जेनुइन करवाया है? पूरा जेनुइन। अपना खुद का विचार जेनुइन का था, भाई ने राय दी जेनुइन के लिए? नहीं, मारा विचार भी जेनुइन का था, फिर मिस्त्री साहब ये बोले भाई हम आप करके देंगे और जेनुइन पार्ट डालेंगे टू जेड। अच्छा अच्छा। और कंपनी से ही माल लगाया सारा। अरे, टोटली कंपनी से? हाँ जी, सारे पार्ट कंपनी। अच्छा, थोड़ा अगर अंदाजा करा तो कितना की खर्चा ट्रैक्टर पर आ गया भाई साहब? सारा काम करा के अंदर का बाहर का एक दो एक्स्ट्रा काम थे, हमारा आया 3.25 लाख रुपये। अच्छा, 3.25 लाख रुपया। हाँ जी। और अपने ऊपर बात है जी कितना बढ़ा लो खर्चा? वो तो देखो अपने ऊपर है, घटा भी लो और बढ़ा भी लो। अमरगार्ड जैसे कि लोकल डाल देते आप रेट में? हाँ, टायर है, जैसे टायर हैं, रेम आए हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, रिम भी अलग तो। हाँ अच्छा, बिल्कुल। हाँ देखो, जो चीज़ लगनी हो तो लगेगी। ये तो भाई सबसे 5 लाख 7 लाख लगा लो। हाँ, जो भी लगो। हाँ, एसी लगा लो और भी काम नया अभी तो ट्रैक्टर में मान लो 9 लाख करीब आओ, 9.5 लाख। बिल्कुल। हाँ, तो उस चीज़ में आप देखोगे। बाकी ट्रैक्टर आपने चला के देखा है? चला के देखा है। सही है, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर। अच्छा, एक बार खेत में भी परखना है? खेत में परखा, परख कर फिर एक बात आपके पास आऊँगा मैं खेत में उड़े। हाँ हाँ हाँ। और फिर देखेंगे एक बार पीछा के ट्रैक्टर लगे। मिस्त्री भाई आओगे? हाँ, कपिल भाई भी आ जाएगा। हाँ, और भाई साथ में एक बार देखेंगे टेस्ट करके ट्रैक्टर ने। बाकी और किसान भाई हैं जो पंजाब जान लाग रहे हैं, उन के राय दोगे? हम तो ये राय देंगे भाई पंजाब ना जाके अपने लोकल में ही काम कराओ। अच्छा, लोकल में काम करो और भाई भरोसा करो। भरोसा करो,
कपिल भाई जैसे हैं, ये बैठे हैं, हर चीज का समाधान करेंगे। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत भी आवे है तो पंजाब कौन जाएगा? बिल्कुल हाँ, वो छोटी दिक्कत के लिए। और इसी बात नहीं है, पंजाब वाले में काबिलियत है, मारे वाले में भी काबिलियत है। हाँ हाँ, गलत उनको भी नहीं बता रहे, कम उनके वो भी नहीं है, कम अपने भी नहीं रह रहे, कम अपने भी नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है। तो बाकी ट्रैक्टर काफी बढ़िया तैयार हो रहा है भाई कपिल, तो और दो चार बात पूछा। किसान भाई गया तो रिव्यू हो गया भाई, एक बार कपिल भाई तो और थोड़ी राय ले लिया भाई, अपने भाइयों ने थोड़ा परिचय अपना जो वर्कशॉप का भी अपना। राम राम भाई साहब, सारे भाइयों ने अपनी वर्कशॉप है जी झज्जर पावर ट्रैक्टर वर्कशॉप के नाम से, ठीक है। बाकी नंबर भाई के स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, आपने पता है। अच्छा, तो आपने इस ट्रैक्टर पर पूरा जी जान लगा दिया, मतलब कई बार मैंने बीच बीच में आगे एक दो वीडियो भी बनाई देखा, मतलब इस ट्रैक्टर के लगाओ है आपने कुछ ज्यादा ट्रैक्टर तो लगाओ तो देखो यूं है जी, जिस तरह हमने 99 में एक बार सब डीलरशिप ली थी। अच्छा अच्छा, तो 99 से लेके ये समझो कि इस ट्रैक्टर पर ज्यादा लगाव है, क्योंकि ये नीली पेटी का जिसने बोल रहे हैं अपना, हाँ, हाँ। इस पर ज्यादा लगाव था शुरू से। अच्छा, इस वजह से। अच्छा, ये अपन इस ट्रैक्टर में अपन के काम इस ट्रैक्टर करया, के के काम करया जी वो बताते हैं आपको। एक तो सबसे पहले फर्स्ट में जी पावर स्टीयरिंग, ठीक है, कंपनी का ओरिजिनल करा है, कोई भी वॉशर तक भी डुप्लीकेट नहीं इसके अंदर। अच्छा अच्छा, सब कुछ कंपनी के ओरिजिनल किट है, जो फिटिंग वगैरह पूरा सब कुछ ओरिजिनल है, खाली बाहर से हमने एक पट्टी लगवाई है अलग से, एक्सल चेंज ना हो जिससे जमींदार का खर्चा बच जाए, 15,000 रुपए का एक्सल आता है, खर्चा बच जाए। और जिस तरह अपने ओरिजिनल एलईडी लाइट लगाई आगे फ्रंट की, जो न्यू मॉडल में आ रही है, न्यू मॉडल में जो आ रही है हाल फिलहाल। और जी के नाम था इसका कंप्लीट शो चेंज हुई है अपनी। अच्छा, कंप्लीट शो चेंज, हुई है, ठीक है। और जिस तरह अंदर की ये पाइपें हैं, ओरिजिनल पाइप, ओरिजिनल ये कलम स्टील की, ये छोटी छोटी सारी आइटम सारी जेन्युइन लगाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और जिस तरह इसका मेन काम था जी पीछे का, अच्छा, इसमें पीछे स्टार हंडी डली है, कड़ा पिनियन डल है, ब्रेक डल है, मतलब मेन काम पीछे का है टोटली सारा, ज्यादा पीछे पीछे का। ठीक है। और एक इसका क्लच का नया काम होया जी, क्लच का काम, नई क्लच असेंबली डली है। अच्छा अच्छा, बैरिंग वैरिंग, और इसके चारों रिम जी नए, चारों रिम नए हो गए, हां मडगार्ड नए, सीट नई। अच्छा, तो नु माने पूरा ट्रैक्टर बिल्कुल नया था, ट्रैक्टर नया, इंजन ठीक था, इंजन ओके था जी, साथ का बिल्कुल, चलो मतलब इंजन ओके था, इसमें खाली चैंबर गुल्ली वगैरह हल्की फुल्की लीकेज थी, वे ठीक कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कुल मिलाकर उस चीज में आप का इसका न्यूलैंड का जो इंजन है वो मरता नहीं, लंबे टाइम तक जो ये इंजन है ना जी, ये मेड इन इटली है जिसको बोलते हैं, तो ये मेड इन इटली का इंजन है। इसमें पिस्टन ही करीबन 11,000-12,000 रुपए का एक पिस्टन है ओनली। अच्छा अच्छा, मतलब लॉन्ग लाइफ इंजन है जी। और ये पंप भी मेड इन जर्मनी है इसके अंदर, और ये सेल्फ भी इसका मेड इन जर्मनी है। वही चल रहा है, वही चल रहा है साथ का। तो आजकल वाले जो ट्रैक्टर जिस न्यूलैंड है उनमें काफी दिक्कत आ रही स्लिप में। हाँ जी, वो क्या समस्या आपने लगा? वो स्लिप जी अभी फिलहाल दे दिया छोटा स्लिप। हाँ, छोटा स्लिप दे दिया। जब पहले बड़ा था, पहले बड़ा था तो मतलब इसके कंप्रेसर को अच्छे से काम कर लेता था। ठीक है ठीक है, चलो। बाकी ये स्लिप भी काफी बढ़िया था पहले, ये देख लो कितने लंबे समय से चलता है, साथ चल रहा है, साथ का है। बाकी अपने किसान भाइयों के कुछ कहना चाहोगे? किसान भैया तो ये कहना चाहूँगा, अपने ट्रैक्टर की केयर रखो, सबसे पहली बात तो ये है, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ और ओरिजिनल सामान डलवाओ। बिल्कुल, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भाई अपने किसान भाइयों के लिए, काफ़ी अच्छी बात भाई ने कही है। बाकी इस ट्रैक्टर का एक बार खेत का रिव्यू भी आपने जरूर दिखावांगे, तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत।